को बता दे, लता जी के निधन को लेकर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आज बीजेपी को अपना संकल्प पत्र जारी करना था, लेकिन उससे पहले देखिए यह बड़ी खबर आई कि लता जी का निधन हुआ और उसके बाद बीजेपी ने इसी को देखते हुए जो कार्यक्रम था संकल्प पत्र का उसे स्थगित किया गया। उनकी तरफ से 2 मिनट का मौनव्रत देखिए यहां पर रखा इन बड़े चेहरों ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने, और उसके बाद ऐलान की संकल्प पत्र को स्थगित किया जाता है। लता जी के निधन को लेकर एक कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया है बीजेपी का। आज लता मंगेशकर का निधन हुआ था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित किया है। लता जी के निधन को लेकर बीजेपी कार्यालय में आज जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया है। लता जी का आज निधन, लता मंगेशकर के निधन के वजह से आज हर कोई स्तब्ध और हर कोई दुखी नजर आ रहा है, और ऐसे में तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आज लता जी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और इसी के साथ आज बीजेपी का संकल्प पत्र का कार्यक्रम था वो भी अब स्थगित हो गया है। 2 मिनट का यहां पर मौन व्रत धारण करने के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह देखिए आज पहुंचे थे लखनऊ इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन लता जी के निधन के वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि 2 मिनट का मौन और उसके बाद इस कार्यक्रम को स्थगित करने की जानकारी मीडिया में दी गई। और हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कार्यक्रम स्थगित, लेकिन अब कब बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी? देखिए आज तो संकल्प पत्र को जारी करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, और इस बात को भी बताएगा कि जल्दी ही अगली तारीख बताई जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि 10 तारीख को, क्योंकि पहले चरण का मतदान होना है, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र एक बार जनता के सामने रख सकती है, क्योंकि 10 तारीख को मतदान होना है, तो उससे पहले निश्चित तौर पर ये जारी कर दिया जाएगा, इस बात की संभावना लग रही है। आज इसकी तैयारी थी, लेकिन सुबह 10:30 बजे के बाद इस बात को तय किया गया कि अंतिम रूप से केंद्रीय कार्यालय पे बात किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आला कमान से बात किया जाएगा, और उसके बाद इस कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा तय की जाएगी, और अंततः अमित शाह की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया गया कि इस लोक कल्याण संकल्प पत्र को आज जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि लता मंगेशकर का निधन हुआ और राष्ट्रीय शोक है इस समय। लेकिन बीजेपी के सारे चुनावी कार्यक्रम यथावत बनाए रखे गए हैं। माना जा रहा है कि 10 तारीख से पहले कभी भी ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो आज जो बीजेपी का कार्यक्रम था संकल्प पत्र जारी करने का, उसे स्थगित कर दिया गया है। लता मंगेशकर के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक भी देखिए घोषित किया गया है 2 दिन का, और इसी बीच बीजेपी के इस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हालांकि जैसा कि अभिषेक पांडे ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि जो बाकी के चुनावी कार्यक्रम लगे हुए हैं बीजेपी नेताओं के, वो उसी तरीके से जारी रहेंगे, और 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होनी है, और उस वोटिंग से पहले बीजेपी कभी भी अपना ये चुनावी घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी कर सकती है। तो लता जी के निधन पर आज हर कोई उन्हें याद करता, उन्हें श्रद्धांजलि देता। बीजेपी के कद्दावर चेहरे, बड़े बड़े चेहरे भी आज यहां पर लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद लता मंगेशकर का एक घनिष्ठ रिश्ता रहा है, और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री भी दुखी। और अगली बड़ी खबर मैनपुरी से, आगरा और मैनपुरी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, बा और एतमाद।